उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में हैंडपंपों के खराब होने से राहगीरों और व्यापारियों को करना पड़ता है समस्या का सामना। आपको बताते चले, बरेली के पुराना रोडवेज के दिल्ली जाने वाले बस के गेट की तरफ लगा नल खराब है, वहीं दूसरे गेट पर लगे हैंडपंप की बॉडी जंग खा चुकी है। उसी तरह नवल्टी चौराहे स्थित गांधी आश्रम के पास राहगीरों की सहूलियत के लिए एक हैंडपंप लगा हुआ है, जो कि लगभग 2 महीनों से खराब पड़ा हुआ है। नल खराब होने के कारण राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। 21 अक्टूबर 2023 को व्यापारी मोहम्मद एजाज ने नगर निगम के जल विभाग को हैंडपंप सही कराने को लेकर एक पत्र भी दिया था। सैयद निशात अली, आज से 2.5-3 महीने पहले नगर निगम से शिकायत करी गई थी कि नल चौराहे मेन नवल्टी चौराहे पे जो नल है खराब है, इसको अभी तक सही नहीं कराया गया है। आने जाने वाले राहगीरों को, दुकानदारों को पानी की बहुत समस्या का वो उठाना पड़ रहा है, जिस कारण आदमी को बड़ी बड़ी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। दुकानदार को यहाँ पर बहुत पानी की और उसकी दिक्कत होती बढ़ती जा रही है। नगर निगम ने अभी 2.5-3 महीने से इस पर कोई गौर नहीं करा है। हम उनसे ये चाहते हैं कि इस नल को जल्द से जल्द सही कराया जाए, जो आम जनता के काम में आ सके। सर, मेरा नाम जीशान है, यहाँ नवल्टी चौराहे पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे एकदम खराब है, रोड बेस पे मैं आगे बढ़ा, रोड बेस पे भी नल खराब है। नगर निगम को कम्प्लेन करा है 2-2.5 महीने पहले तकरीबन, लेकिन अभी तक कोई नल ठीक नहीं हुआ। राहगीरों को भी बड़ी परेशानी होती है और दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है, और हम लोग भी कभी इधर से गुजरते हैं तो दिक्कत होती, दिक्कत का सामना करना पड़ता पानी की वजह से। तो